फ्रेंड्स, आज हम लोग बातें करेंगे सूचना लेखन की, नोटिस राइटिंग। यह हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वो 5 नंबर के होते हैं। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये सभी में 5 नंबर के प्रश्न आते हैं जो सूचना लिखने संबंधित रहते हैं। न केवल यहीं पे, साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी सूचना लेखन बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। वहां भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब हम किसी नौकरी पे जाते हैं तो हमें वहां पे सूचना लिखने की आवश्यकता ही पड़ती है। तो किस तरह से सूचना लिखना है, किस तरह से सूचना लिखा जाता है, आज इस वीडियो में हम लोग जान जाएंगे। इस वीडियो में एक बार, छोटी सी वीडियो में एक बार इसे पूरी तरह से देख लेते हैं तो अच्छी तरह से जान जाएंगे कि सूचना फिर हमें क्या लिखनी है। किसी सूचना को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस उसका फॉर्मेट जान लेना है कि हमें किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 5 नंबर है वो किस तरह से निर्धारित होता है। तो जो 5 नंबर है वो प्रारूप पे 1 नंबर, जो प्रारूप सूचना का जो प्रारूप बनाते हैं उस पे 1 नंबर होता है। फिर विषय वस्तु पे 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर हो गए। फिर भाषा पे 1 नंबर, ये 5 नंबर इस तरह से बटे होते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि जब हम कोई सूचना लिखते हैं तो उसमें किन किन तत्वों का समावेश होना चाहिए। तो सबसे पहले है, हमें जानना है कि सूचना, पहले क्या सूचना लिखनी है, किसे लिखनी है, पहले तो ये चीज होना चाहिए। उस जो सूचना है उसमें ये होना चाहिए क्या लिखना है, किसे लिखना है। दूसरा है समय और दिनांक, मतलब समय बताना है उसमें और दिनांक बताना है कि किस समय लिखी जा रही है तथा किस समय के बारे में सूचना दी जा रही है, इस समय तक ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर है पता और स्थान भी उसमें निर्धारित होना चाहिए। साथ ही शब्द सीमा, सूचना जो है कभी भी बहुत लंबा नहीं होना है, उसमें एक शब्द सीमा मतलब बहुत ही कम शब्दों में पूरी बातें बतानी होती है। उसमें समय लिखा भी हुआ होता है 30 या 40 शब्दों में लिखिए, तो शब्द सीमा में मतलब अपनी बात कम से कम शब्दों में हमें बतानी है। भाषा सरल, कभी भी सूचना सबसे सरल से सरल भाषा में लिखनी है ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले इसका प्रारूप हम लोग जान लेते हैं कि जब भी सूचना लिखेंगे तो एक बॉक्स में बनाएंगे। देखिए, एक बॉक्स जैसा बनाएंगे। सबसे पहले तो सूचना बनाने के लिए एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स बनाने के ऊपर में लिखेंगे संस्था का नाम, मतलब जहां से सूचना लिखी जा रही है, जो संस्था है उसका नाम रहेगा ऊपर में, संस्था का नाम। फिर नीचे में उसके नीचे दिनांक लिखेंगे, ठीक है, दिनांक, जिस दिनांक को सूचना लिखी जा रही है वो दिनांक इसमें मेंशन किया जाएगा। फिर उसके बाद यदि किसी विशेष के लिए सूचना है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि मान लो कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए, या कक्षा 1ली या 2ली के लिए, फिर वहां पे विषय है। फिर नीचे लिखेंगे सूचना लिखेंगे। फिर उसके नीचे विषय लिखेंगे, मतलब जो सूचना का विषय क्या है, किस चीज के लिए सूचना लिखी जा रही है, मतलब खेल के आयोजन के लिए लिखी जा रही है, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए लिखी जा रही है, या फिर कल छुट्टी है यह बताने के लिए लिखी जा रही है सूचना। तो फिर वहां जो विषय रहेगा, यहाँ विषय, उसके नीचे विषय लिख देंगे। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे सूचित किया जाता है कि, यदि ऊपर मेंशन किया हुआ है कि यह केवल 8वीं या 9वीं के बच्चों के लिए है तो लिखेंगे कि कक्षा 8वीं और 9वीं के बच्चों को सूचित किया जाता है कि, फिर जो पर्पस है, ठीक है ना, खेल के आयोजन के लिए या फिर जो भी चीज के लिए होगा, ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है, यहाँ अपनी बात को हम पूर्ण कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हस्ताक्षर, यह सूचना कौन भेज रहा है, ठीक है ना, मान लो प्राचार्य भेज रहा है, तो यहाँ पे प्राचार्य का हस्ताक्षर हो जाएगा, यहाँ पे प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर, फिर प्रधानाचार्य का यहाँ पे नाम आ जाएगा, फिर यहाँ नीचे में वो अपना प्रधानाचार्य, फिर जो भी स्कूल के रहेंगे चाहे जहां के रहेंगे उसको लिख देंगे, हस्ताक्षर लिख देंगे, नाम लिख देंगे, अपना पद लिख देंगे। तो इसका ये इस तरह से फॉर्मेट, इसका प्रारूप इस तरह से होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक सूचना हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से लिखा जाता है, ताकि बिल्कुल पक्का हो जाएगा, गलतियां होने की चांसेस ही नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए यह एक सूचना है, इस सूचना में जो है ना सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में सूचना दी जा रही है, सभी विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कि अपना नाम दे दें। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो मान लीजिए यहाँ पे जो संस्था है स्कूल का नाम लिखेंगे, सरस्वती विद्या मंदिर रामानुजगंज, मान लीजिए, ठीक है, तो सरस्वती विद्या मंदिर रामानुजगंज, ठीक है। फिर उसके बाद दिनांक दे देंगे, यहाँ देखिए दिनांक है, दिनांक कितना है, मान लीजिए आज का दिनांक दे दिया, ठीक है ना, 1/4/2021 यहाँ पे दिनांक दे दिए। फिर दिनांक लिखने के बाद फिर यहाँ देखिए सूचना लिख देंगे, सूचना है। फिर सूचना के जस्ट नीचे में यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक बॉक्स, देखिए एक बॉक्स रहेगा ना, और जो भी चीजें लिखी हुई रहेंगी उसको, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सरस्वती विद्या मंदिर जो है ये बीच में देखिए लिखा हुआ है, बीच में लिखा है, दिनांक जो है यहाँ बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी विशेष के लिए सूचना रहती तो उसको यहाँ लिखा रहता कि मतलब सिर्फ ये किसके लिए है, कक्षा 9वीं या 10वीं के विद्यार्थी के लिए है, या कक्षा 1ली या 2ली के विद्यार्थी के लिए, यदि कुछ विशेष बात होती, किसी विशेष के लिए होती तो यहाँ लिखा होता। फिर सूचना शब्द हम बीच में लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सूचना, बीच में लिखेंगे। फिर उसके नीचे में
जिस चीज के लिए सूचना लिखा जा रहा है विषय उसको लिखेंगे, विषय शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट विषय लिख देंगे। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, ठीक है, उसको भी बीच में ही लिखेंगे, ठीक है, किनारे लिखेंगे बीच में लिखेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसके लिए। फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे इस विद्यालय के सभी छात्रों को, यहाँ पर यदि मान लीजिए किसी विशेष के लिए लिखा रहता तो फिर उस तरह से लिखा रहता कक्षा नौवीं या दसवीं के विद्यार्थी के लिए या किसी के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, सभी के लिए है तो इसे लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। यदि विशेष के लिए रहता तो लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30/4/21, ठीक है ना, 30/4/21 एक तारीख को सूचना दी जा रही है, 30/4/21 को विद्यालय में वार्षिक उत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ठीक है। जो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं अपना नाम दिनांक 10/4/21 तक, समय और दिनांक जो है ना बिल्कुल अच्छे से उसमें वर्णित होना चाहिए ताकि व्यक्ति कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर क्या है, 30 तारीख को देखिए, 30 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है और 10 तारीख तक, यहाँ पे 10 तारीख तक छात्र कल्याण परिषद के सचिव अनूप शर्मा, एकदम बिल्कुल जानकारी क्लियर होनी चाहिए, कौन है सचिव, अनूप शर्मा को दे दें। तो यहाँ पे 10 तारीख तक नाम देने की बात कही जा रही है। फिर उसके बाद ये लिखा है सिग्नेचर है, देखिए किसका सिग्नेचर, यहाँ पे हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर किसका है, अशोक वर्मा, अशोक वर्मा का हस्ताक्षर है, वो अध्यक्ष है, यहाँ पद का नाम लिखा है, अध्यक्ष किसका है, छात्र कल्याण परिषद के वो अध्यक्ष है, उन्होंने ये सूचना निकाली है कि अनूप शर्मा को अपना नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्ति दे दे। तो इस तरह से हम सूचना लिखते हैं। एक और उदाहरण देखिए, जैसे हमें सूचना लिखनी है कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है, उसके लिए टीम बनाया जा रहा है, तो उस टीम में चयन के लिए सूचना निकालना है कि कक्षा आठवीं और नौवीं के विद्यार्थियों में से चयन किया जाएगा, तो हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, मान लीजिए गौतम पब्लिक स्कूल जहानाबाद है, ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे दिनांक, दिनांक जो है मान लीजिए 5/7/2020 को है, फिर उसके बाद कक्षा, मतलब किस कक्षा के लिए ये सूचना है, तो कक्षा आठवीं और नौवीं के लिए है ये सूचना सबसे पहले, फिर उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ देंगे, फिर इसके बाद सूचना लिखेंगे, सूचना लिखेंगे, सूचना को अंडरलाइन कर देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इसके लिए सूचना है, फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर इसके बाद शुरू करेंगे कक्षा आठवीं और नौवीं के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 20/7/2020 को गांधी मैदान में शाम 5 बजे से होने वाला है। तो इसमें पूरी तरह से जो समय और दिनांक जो है उसका वर्णन मतलब सही तरह से होना चाहिए। खिलाड़ियों का चयन 10/7/2020 को स्कूल के मैदान में किया जाएगा, मतलब 20 तारीख को प्रतियोगिता होने वाली है और 10 तारीख को जो है ना खिलाड़ी टीम बनाया जाएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं अपना नाम शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को दे दें, मतलब ये तो पूरा सूचना ये पूरी हो गई। फिर इसके बाद सूचना दिया किसने है, ये प्रधानाचार्य ने, प्रधानाचार्य का यहाँ पर हस्ताक्षर होना चाहिए, डी गुप्ता मान लीजिए प्रधानाचार्य हस्ताक्षर, फिर गौतम पब्लिक स्कूल जहानाबाद, ये तो इस तरह से सूचना लिखा जाता है। सूचना को कभी भी बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो है आप आसानी से जान गए हो कि सूचना किस तरह से लिखा जाता है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे देती हूँ कि और भी उसमें बहुत तरह तरह की सूचनाएं, साथ ही साथ पिछली परीक्षाओं में जो सूचनाएं पूछी जा चुकी हैं, ठीक है ना, जो पिछले बोर्ड की परीक्षाओं में सूचनाएं पूछी जा चुकी हैं, मैं उसका सैंपल भी आप लोग को दे दूंगी ताकि आप आसानी से देख सकें और अगले एग्जाम में जो सूचना के 5 अंक आते हैं वो बिल्कुल कटने नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय।